बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपके साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंतखाब के पुरअमन इनेकाद में पाक फौज अपनी आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन की हिदायत के मुताबिक अंजाम देगी। सियासी सरगर्मी के नाम पर आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सपोर्ट नहीं करने दिया जाएगा। रियासत को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का ऐलामिया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबले तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरम बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। कौमी वकार और आवाम की उमंगों पर कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पेशा वाराना महारत का मयार बरकरार रखने, तरबियत के दौरान बेहतरीन कार दिखाने और फौजी जवानों का मोराल बरकरार रखने पर जोर। मच सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, हालात दहशतगर्दों की तादाद 21 हो गई। 30 जनवरी को किए गए ऑपरेशन के दौरान 9 और आज के क्लियरेंस ऑपरेशन में मजीद 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। आईएसपीआर कानून नापिस करने वाले लेवीज है, पुलिस एहलकार है, पापोज है। पापोज ने तो हमेशा अमन का नारा लगाया, दहशतगर्दों हक में मिला दिया। अपनी फोर्सेस पर बड़ा फखर है कि उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बड़े हादसा से हम लोगों को सबको बचाया है। हम उनके शुक्र गुजार हैं कि उन्होंने मच को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। आवाम की मच में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मच और बोलान में दहशतगर्दों को मौसर और बरवक्त कार्रवाई से पसपा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश करते हैं। अवामी राय। इलेक्शन कमीशन का कुछ हलकों के बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई आखिर में करने का फैसला। दोबारा बैलेट पेपर्स की छपाई का दारोमदार खुसूसी कागज और वक्त की दस्तयाबी पर होगा। खुसूसी सिक्योरिटी कागज दस्तयाब ना हुआ तो इन हलकों में इंतखाबात मुलतवी कराने के अलावा कोई चारा नहीं। सूरत हाल की संगीनी के बायस बैलेट पेपर का साइज कम करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब। वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी, आईजी साहिबान और इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे शरीक होंगे। तोशा खाना के साबिक चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया को 14-14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। 10 साल के लिए ना अहल, 1,57,40,00,000 रुपए जुर्माना भी आए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर से मुशीर हवाबाजी फरहत हुसैन खान की मुलाकात। वजारत के उमूर और हवाबाजी के शोबे में असलाहत पर पेशरफ के हवाले से आगाह किया। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर आमिर बिलाल की भी मुलाकात। वजारत सेहत के उमूर से मुतालिक गुफ्तगू। अवाम की खिदमत पीपल्स पार्टी की सियासत का महवर है। सियासी मुखालफत को जाती दुश्मनी में बदलने पर यकीन नहीं रखते। अवाम नई सोच और क्यादत को मुंतखब करें। पीपल्स पार्टी मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालने की सलाहियत रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मालाकंड में जलसे से खिताब।
कारकुनों की मोहब्बत और वाबस्तगी हमारे जज्बे को तकवीयत देती है। माजी में भी अवाम की खिदमत के लिए कमर बस्ता थे, आज भी तैयार हैं। 8 फरवरी को नवाज शरीफ के शेरों को मुंतखब करके तरक्की के सफर का दोबारा आगाज करें। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब। अवाम से वादे निभाना, वोट को इज्जत देना है। मुल्क की खुशहाली के लिए पहले भी काम किया, आइंदा भी अवाम की खिदमत फर्ज समझ कर करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की लाहौर में डिजिटल मीडिया के अफराद से गुफ्तगू। अवाम के मसाइल का हल तलाश करना अव्वलीन जिम्मेदारी है। मौका मिला तो अवाम को बेहतरीन सहूलतों की फराहमी के लिए काम करूंगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन का लोधरा में शमूलियती तकरीब से खिताब। गाजा में मजीद 149 फलस्तीनी सहूनी बर्बरियत का शिकार। शोहदा की मजमूई तादाद 26,900 हो गई। 25 फलस्तीनी एक ही हमले में शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। हस्पताल भी इसराइली वहशत से महफूज नहीं। सहूनी फौजियों का खान यूनुस के अलमल हस्पताल पर धावा, हस्पताल खाली करने का हुक्म। मावराए अदालत कत्ल, भारतीय फौज की पहचान। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने सीआईडी कश्मीर का पुलिस के सरबराह को लिखा जाने वाला मरासला बेनकाब कर दिया। मरासले में 3 राजपूत के हाजीपीर सेक्टर, 12 जाट के उड़ी सेक्टर और लेफ्टिनेंट कर्नल के जिला कुपवाड़ा में जाली ऑपरेशन का जिक्र। भारत 7,000 से जायद कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल कर चुका। आलमी मीडिया में भी जाली मुकाबलों और मावराए अदालत कत्ल की बाजगश्त। कश्मीरियों के जद्दोजहद आजादी को दबाने के लिए भारतीय मजमूम हथकंडे, काबिज फोर्सेज मजीद बख्तरबंद गाड़ियों से लैस। तहरीके आजादी से वाबस्तगी पर मजीद कश्मीरियों की अमलाक जब्त। अक्वामे मुत्तहदा तनाज़े कश्मीर के हल के लिए इकदामात करे, हुर्रियत कयादत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत बालाई इलाकों में बारिश और ग्यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमे मौसमियात की 4 फरवरी तक मजीद बारिश की पेशगोई। मस्कत में 5-साइड हॉकी वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने स्विट्जरलैंड को 1 के मुकाबले में 10 गोल से शिकस्त देकर 9वीं पोजीशन हासिल कर ली। जकरिया हयात की हैट्रिक। FIH की जानिब से पाकिस्तान को चैलेंजर्स ट्रॉफी दी गई। और कतर में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट, जनूबी कोरिया और उज़्बेकिस्तान क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया की सऊदी अरब के खिलाफ 4-2 से कामयाबी। उज़्बेकिस्तान ने थाईलैंड को 2-1 से हराया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। एक सख्ती तो, दूसरा है नरम मिजाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट सर्फ एक्सल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म।
खबरनामे का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करें कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का ऐलामिया जारी कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक ऐलामिया में यह कहा गया है कि आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पाक फौज आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक अंजाम देगी। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद, आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत मुकद्दस और नाकाबले तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरम बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। कौमी इज्जत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों पर कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अस्करी क्यादत को मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से मावराए अदालत कत्ल, रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की आलमी कवानीन और अक्वामी मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इंसाफ की फराहमी तक इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। अस्करी क्यादत को पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की भारतीय घिनौनी मुहिम के बारे में भी आगाह किया गया। फोरम ने इत्तेफाक किया कि भारत की जानिब से बैनुल अक्वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी और उसका असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। अस्करी क्यादत का कहना था कि आर्मी बिरादरी पहले भी भारत के मुजरिमाना रवैये और दुनिया भर में कत्लो गारत के लिए रियासती ताकत के इस्तेमाल पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार कर चुकी है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने फलस्तीन की आवाम की हिमायत का यादा करते हुए तनाज़े के मनफी असरात और खित्ते में फैलाव के इम्कानात का भी जायजा लिया। फोरम ने फलस्तीन में फौरी जंग बंदी और जारी तनाज़े के पुरअमन हल की फौरी जरूरत को मुतफक्का तौर पर तस्लीम किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फॉर्मेशंस के ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस कमांडर्स पर जोर दिया कि वो पेशावराना महारत, तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी और फौजी जवानों का मोराल को बुलंद रखें और उनकी फलाह बहबूद के इकदामात का सिलसिला जारी रखें। अस्करी क्यादत ने स्मगलिंग, जखीरांदोजी, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और गैर कानूनी तारकीन वतन समेत गैर कानूनी सरगर्मियों और मुजरिमाना माफियाज के खिलाफ उठाए गए इकदाम को सराहा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुसल्ला अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। नाज़रीन, बलूचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन की मजीद तफसीलात सामने आ गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाइयों ने हमलों को नाकाम बनाया जिसके नतीजे में दहशतगर्द भागने पर मजबूर हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के आज के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। अब तक मजमूई तौर पर 21 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे और अवाम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। पाक फौज के बहादुर जवानों का हौसला दहशतगर्दी के आप जंग में हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करता है। बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दों के बुजदिलाना हमले में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तस्वीर मंजरे आम पर आ गई हैं। मच हमले की जिम्मेदारी भारतीय स्पॉन्सर्ड कलदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की थी। इस हमले में 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल जबकि 3 दहशतगर्दों को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। तस्वीर में दहशतगर्दों को मुख्तलिफ जगहों पर छुपते हुए देखा जा सकता है। मच हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से हमले को नाकाम बनाया गया। लापता अफराद का लाग अलापने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर अपनी आंखों से बगस की पट्टी उतार कर देखे तो मच हमले में मारे जाने वाले बहुत से दहशतगर्द हकीकत में लापता अफराद हैं। पहले भी कई मरतबा दहशतगर्दाना हमलों में इसी तरह के लापता अफराद के शामिल होने के सबूत मंजर आम पर आ चुके हैं। ये बात भी रोजे रोशन की तरह यहाँ हो चुकी है कि भारत रॉ को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में मुसलसल बदमनी फैला रहा है। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मुसलसल पाकिस्तान में बदमनी और इंतशार को हवा दे रहे हैं। कोयटा की आवाम ने मच में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ यकजहती का इजहार किया है। आवाम का कहना है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहादुरी से लड़ते हुए मच और बोलान में दहशतगर्दों के हमले को पसपा किया। हम कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये रात को जो नाखुशगवार वाकया मच में पेश आया है, ये अगर हमारी फोर्सेज, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बरवक्त कार्रवाई ना करती तो ये बहुत ही बड़ा एक नुकसान होना था आवाम का। ये तो अमन के शुक्र गुजार हैं कि उन्होंने मच को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। कानून नाफिज करने वाले नेवी से पुलिस एहलकार
पाकफौज है। पाकफौज ने तो हमेशा अमन का नारा लगाया और हमेशा दहशत गर्दों को खाक में मिला दिया। इसके पर जोर मजम्मत करते हैं, ये नस्ल कशी है एक किस्म की। मासूम लोगों को कत्लेआम करना इस्लाम में जो है इसकी सख्त ममानियत है और ये हराम है। नेते लोगों को शहीद करना या मस्जिद को शहीद करना या ट्रांसपोर्ट को जलाना, आवाम को जलील करना, ये बहुत बुरी बात है। ये हमारी रिवायत बलोच और पश्तून रिवायत में नहीं है। तो जो वाकया हुआ है मच के जिले में, ये बहुत ही खुशगवार वाकया था और इसके हम लोग भरपूर मजम्मत करते हैं। अगर हमारी फोर्सेस ना होती तो मच शहर क्या कि पूरा उन लोगों ने तबाह कर देना था। ये हमारी फोर्सेस की वजह से मच शहर हो गया, कोलपुर हो गया, ये इलाका जो है इन लोगों ने संभाला है और हम लोग अपनी फोर्सेस पर बड़ा फख्र है कि उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बड़े हादसा से हम लोगों को सबको बचाया है। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र अहम इजलास कल होगा। वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज, आईजी साहिबान और इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदों को इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। इंतखाबी हलकों में बैलेट पेपर की दोबारा छपाई का मसले पर इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास हुआ। मामले पर तफसीली गौर के बाद ये फैसला किया गया है कि जिन हलकों में बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई कराना पड़ रही है, वहां पर छपाई का अमल मुल्क के दीगर हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। तहम इसका दारोमदार खसूसी सिक्योरिटी कागज और वक्त की दस्तयाबी पर होगा। तहम खसूसी सिक्योरिटी कागज मतलूबा मकदार में अदम दस्तयाबी की सूरत में इन हलकों में इंतखाबात मौखर करने के अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया को 14-14 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सजा सुना दी है। मुख्तसर फैसले में साबिक चेयरमैन पीटीआई को 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। तफसील बता रहे हैं बिलाल शेख। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस का मुख्तसर फैसला सुनाते हुए साबिक चेयरमैन पीटीआई को 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार देते हुए दोनों मुजरिमों को मजमूई तौर पर 1,57,40,00,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। नैब की जानिब से दिसंबर 2023 में साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत में ये रेफरेंस दायर किया गया था। रेफरेंस के मुताबिक साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए बैरून मुल्कों से मिलने वाले करोड़ों रुपए मालियत के 108 कीमती तहफ में से 58 तोहफे सरकारी तोशाखाना में जमा ही नहीं कराए। सिर्फ यही नहीं बल्कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने सऊदी अरब से तोहफे में मिलने वाले खाना काबा के मॉडल वाली कीमती घड़ी को भी ना बख्शा और उसे बेच डाला। इस हवाले से कीमती तहफ हथियाने के लिए मुलाजमीन पर दबाव डालने की बुशरा बीबी की गुफ्तगू भी मंजरे आम पर आ चुकी है। भेजी है लेकिन मैंने नहीं कर। तस्वीरें खींचने को इनाम ने क्या क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती है उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को? वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी है इसने तस्वीरें? दीदी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें की ये चीज आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है बस आप बीवी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? जी हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों को? नहीं, नहीं क्या करना है, क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें। नैब रिपोर्ट के मुताबिक मुजरिमान ने 3,16,00,00,000 के तहफ की कीमत पाकिस्तान में सिर्फ 1,80,00,000 रुपए लगवाई। रेफरेंस के मुताबिक ग्राफ ज्वेलरी के सेट की कीमत का तखमीना लगवाने के बाद मालूम हुआ कि मुजरिमान ने इस मद में कौमी खजाने को 1,57,00,00,000 से ज्यादा का नुकसान पहुँचाया। बिलाल शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकर से मुशीर हवाबाजी फरहत हुसैन खान ने मुलाकात की है। मुशीर हवाबाजी ने वज़ीर आज़म को वज़ारत के उमूर और हुकूमत की हवाबाजी के शोबे में इस्लाहात पर पेशरफ के हवाले से आगाह किया।
वजीर आजम अनवारुल हक काकर से मावन खसूसी सेहत डॉक्टर आमिर बिलाल ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में सेहत के उमूर से मुतालिक गुफ्तगु हुई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से श्रीलंका के लिए नामजद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर फहीम उल अजीज ने मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका के साथ साथ भाइयों पर मुहित दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। दोनों ममालिक के माबैन अवामी और सकाफती रवाबित को मजीद बढ़ाने की जरूरत है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में बुद्ध मत वर्षे के मकामात सियाहती अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के साथ माशी, तालीमी और सकाफती रवाबित मजीद मजबूत करते हुए दो तरफा तजारती हजम को उसकी भरपूर सलाहियत तक बढ़ाना होगा। उन्होंने फहीम उल अजीज को श्रीलंका में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर नामजद होने पर मुबारकबाद भी दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम बनाने में नौजवान नस्ल कलीदी किरदार अदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि कामयाबी के हुसूल के लिए की बुनियाद पर चलते हुए मोहब्बतें फैलाने की जरूरत है। इस्लामाबाद में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए सदर ममलुकत ने कहा कि तालीम के साथ साथ तरबियत और इखलाकियात की तलकीन एक महज़ब मुआशरे की बुनियाद डालती है। दुनिया को इखलाकी इकदार पर मबनी निज़ाम वज़ा करने की ज़रूरत है। सदर ममलुकत ने गजा में होने वाले मजालिम का हवाला देते हुए कहा कि जमहूरी और तालीम याफ्ता मुल्कों को इंसानी इकदार को पामाल होने से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। बाजोड़ में पीटीआई के मुखलिस कारकुन रेहान जेब खान के बहिमाना कत्ल का मामला, अपनों की लाशों पर सियासत करना पीटीआई का भयानक चेहरा बेनकाब हो गया। रेहान जेब के कत्ल के साथ ही पीटीआई ने ऑफिशियल अकाउंट से उसे टिकट होल्डर जाहिर कर दिया। बाजावड़ में पीटीआई के पुरजोश और मुखलिस कारकुन रेहान जेब पार्टी की टिकट का सबसे मजबूत उम्मीदवार था। ताहम साबिक चेयरमैन पीटीआई ने जानिसार साथी के बजाय NA8 बाजावड़ का टिकट गुलदाद खान को दे दिया। रेहान जेब ने टिकट न मिलने पर बतौर एहतजाज ट्वीट भी किया था। गुलदाद खान की शख्सियत के हवाले से इलाके के आवाम की राय ज्यादा मस्बत नहीं है। गुलदाद खान के हवाले से पार्टी फंड में करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट के चर्चे भी जबान ज़देआम रहे। इस्लामाबाद में पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें सनतकारों, माहिरीन और हुकूमती स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। शुरका ने कहा कि पाकिस्तान में सनती चैलेंजेस और शोबा पेट्रोलियम में जदीद रुझान और पॉलिसी इकदाम पर होने वाली कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। This has been a major event turning and reviving the industry in Pakistan. It will inshallah bring about more opportunities. It has actually been a major change to policy which is going to actually attract investments to Pakistan and exploit and explore the remaining recoverable resources around the great nation and the great country. There has been a change that inshallah will bring about more investment and to offset the industry or the energy requirements in the country. Onshore production, as we've seen, has been falling quite significantly, but there are possibilities to reduce the reduction in onshore, the fall in onshore production. There are opportunities through tight gas, shale, and then there are also opportunities through offshore gas. Certainly there'll need to be quite significant investment made both by indigenous Pakistani companies but also through the international oil and gas community who Pakistan will need to attract back into the country. China, the greater petroleum company, should be invested in Pakistan. I think in the future Pakistan will be a wonderful country and China Pakistan will have a greater good relations. We can help each other. I wish Pakistan will have a wonderful future. पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं उनकी पार्टी की सियासत का महवर अवाम की खिदमत है, अवाम नई सोच और क़यादत को मुंतखब करें। बिलावल भुट्टो जरदारी के मालाकंड में इंतखाबी जलसे की खिताब की जो तफसील है वो शेयर कर रहे हैं यासिर हुसैन। मालाकंड की तहसील बटखेला में जलसे से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वक्त आ गया है तमाम सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत छोड़कर मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ें। कि हमने सियासत को सियासत ही रखना है, सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील नहीं करने देना। इसका नुकसान आपका सिर्फ सियासी मुखालफीन को नहीं, इसका नुकसान मुल्क का होता है,
इसका नुकसान मुल्क के अवाम को भुगतना पड़ता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालने का विजन रखती है, हुकूमत में आकर तारीखी नाइंसाफियों का खात्मा करेंगे और वसाइल को अवाम की तरक्की पर खर्च करेंगे। ये मेरा पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि मैं अगर आपका वजीर आजम बना, ऐसे मुआशी मंसूबे लेकर आएंगे जिससे अवाम को फायदा हो, पाकिस्तान के अवाम की आमदनी को इंशाल्लाह ताला इसमें ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर इसको दुगनी करके दिखाएंगे। गरीब अवाम को जो हकदार है उनको सोलर के थ्रू इंशाल्लाह ताला 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को मुंतखब कराएं। हम मुल्क में खुशहाली के नए दौर का आगाज करेंगे। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ के मुखालिफीन वकफात अमल का सामना कर रहे हैं। नारोवाल के इलाके जफरवाल में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को बहरानों से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। तफसील वसीम सजाद से। नारोवाल में कौमी असम्बली के हलका NA-75 जफरवाल में जलसा से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की क्यादत में मुल्क ने हमेशा तरक्की की मनाजिल तय की। उन्होंने कहा कि 2017 में साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं बल्कि अवाम की खुशहाली के खिलाफ हुई। आज साजिश करने वाले अपने अंजाम को पहुँच रहे हैं। नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ा, अल्लाह ने सुरखरू किया। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या क्या साजिश नहीं हुई, क्या क्या जुल्म नहीं हुआ, क्या क्या इंतकाम नहीं लिया गया, क्या क्या जबर नहीं हुआ, लेकिन नारोवाल वालों नवाज शरीफ के मुखालिफीन थे, नवाज शरीफ है अल्लाह के फजल से। ये लोगों को चोर कहते थे, ये पूरे खानदान समेत आज अल्लाह के फजल से चोर साबित हुआ है। मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क्यादत ने मुल्क को कौम की खातिर कुर्बानियां दी। उन्होंने कहा कि नून लीग सबकी नुमाइंदा जमात है, मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। मैं नौजवानों से ये वादा करके जा रही हूँ कि शेर पर इतनी मोहरें लगाना कि किसी घर में कोई नौजवान बेरोजगार ना रहे। 8 फरवरी के बाद एक एक करके आपकी सारी तकलीफें, आपके सारे मसाइल, आपके सारे दुख दर्द एक एक करके अल्लाह ताला आपसे दूर ले जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाकर नाकाबिले तस्खीर किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अवाम के दिलों में बसते हैं, अवाम 8 फरवरी को उनसे मोहब्बत का इजहार नून लीग को वोट देकर करेंगे। हमारे कायद ने पाकिस्तान के नौजवानों के लिए इस मुल्क में मईशत को मजबूत किया। तकरीब से दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया और कहा कि नारोवाल कल भी मुस्लिम लीग नून का था और आज भी मुस्लिम लीग नून का है। सीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम से किए वादे निभाना ही वोट को इज्जत देना है। मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए पहले भी काम किया, आइंदा भी इसे फर्ज मनसबी समझ कर करते रहेंगे। वो डिजिटल मीडिया के अफराद से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसील अनीस आवान से। लाहौर में डिजिटल और सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद से मुलाकात के दौरान खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी कौम में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं जिनके लिए सही सिम का तायन करना नागुजीर है। आम इंतखाबात में अवाम ने वोट के दुरुस्त इस्तेमाल से मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करना है। इस कौम में बेपनाह पोटेंशियल है, इस कौम के अंदर बेपनाह सकत है और अगर हालात को सही रुख की तरफ मोड़ा जाए तो मुझे कोई शक नहीं बहुत थोड़े अरसे में पाकिस्तान अक्वामे आलम में सर उठाने के काबिल होगा। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम अपने वोट के जरिए इस कौम की तकदीर का फैसला करेंगे कि किसको उन्होंने वोट देना है और उनकी तरजीहात क्या हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि साबिक हुकूमत के 4 साला दौर में मुल्क को बहरानों से दोचार किया गया, हमने रियासत बचाने के लिए सियासत को दाव पर लगाया और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता जो कि डिफॉल्ट के दहाने पे था और हमसे पिछली हुकूमत ने IMF का मुआहदा हमने नहीं किया था, वो उन्होंने किया था, उन्होंने पाकिस्तान के वसीदार मुफाद को कुर्बान कर दिया और IMF का मुआहदा उसको रद्दी की टोकरी फेंक दिया। तो मैंने और मेरी पूरी गवर्नमेंट ने, तमाम पार्टीज ने मिलकर एड़ी चोटी का जोर लगाया कि दिवालिया होने से बच जाएं। नून लीग के सदर ने कहा कि नवाज शरीफ की मुल्क के लिए खिदमात फरामोश नहीं की जा सकती, में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए यकसुई से काम करेंगे। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
استحکام پاکستان پارٹی کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ لودھرا سے سابق ناظم عامر مرل سمیت متعدد بلدیاتی نمائندوں، سیاسی شخصیات اور نوجوانوں نے آئی پی پی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر مختلف تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی سربراہ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ ہم سیاست میں طاقت کے حصول کے لیے نہیں بلکہ عوامی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ لودھرا کے مسائل کا حل ان کی اولین ترجیح ہے، جس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے۔ این اے 263 سے قومی اسمبلی کے امیدوار اور پشتونخوا میپ کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کوئٹہ میں عوامی اجتماع سے خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، عوام کا منتخب کردہ پارلیمان سپریم اور طاقت کا سرچشمہ۔ ہونے والے عام انتخابات میں عوام بھرپور شرکت کر کے اپنے حقیقی نمائندوں کا انتخاب کریں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر منگل کہتے ہیں کہ ان کی جماعت عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ خاران میں انتخابی جلسے سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ بی این پی نے جمہوریت کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں، ہم نے ہر فورم پر عوام کی آواز اٹھائی، صوبے کے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور 8 فروری کو بی این پی کو کامیاب کروائیں۔ چیئرمین سینٹ اور پی بی 32 چاگے سے بلوچستان عوامی پارٹی کے نامزد امیدوار محمد صادق سنجرانی نے سرحدی شہر تافتان کا دورہ کیا۔ اس موقع پر عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کی خدمت کے لیے الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں، عوام نے موقع دیا تو چاگے کو ماڈل ضلع بنائیں گے، عوام کی معیار زندگی بلند کرنے اور ترقی خوشحالی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ بلوچستان میں انتخابی ریلیوں، جلسوں کے ساتھ ساتھ امیدواروں اور سیاسی جماعتوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ قومی اسمبلی این اے 269 کے گوادر پر مسلم لیگ نون کے امیدوار میر عطا اللہ محمد زئی نیشنل پارٹی کے امیدوار ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں۔ اس بات کا اعلان انہوں نے کیچ تربت میں نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر مالک بلوچ کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ معروف صحافی پرویز شوکت کی یاد میں تعزیتی ریفرنس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنکی نے پرویز شوکت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کا چار دہائیوں پر محیط صحافتی دور کارکنوں کے حقوق کے لیے جد و جہد سے عبارت ہے۔ تفصیل جانتے ہیں راحیل انصار سے۔ صحافی برادری نے اپنے دیرینہ ساتھی پرویز شوکت مرحوم کے تعزیتی ریفرنس میں بھرپور شرکت کر کے مرحوم سے اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ نگران وزیر اطلاعات نے کہا کہ پرویز شوکت مرحوم نے میڈیا کارکنوں کے معاشی حقوق کے لیے خود کو وقف کر دیا، میڈیا ورکرز کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ کسی کو شک نہیں ہے ان کی صحافتی زندگی اور تمام جو ان کی سوشل ویلفیئر کی جو سرگرمیاں تھیں، جو میڈیا ورکرز ہیں ان کے معاشی حقوق کے لیے ایک توانا آواز تھے۔ یہ جو ان کی جد و جہد ہے دوسرے لوگوں کے حقوق کے لیے، خاص طور پر میڈیا ورکرز کے لیے، وہ کوئی بھی بھول نہیں پائے گا۔ وفاقی وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ مستقبل کا میڈیا ڈیجیٹل ہے، ہمیں عالمی رجحانات کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ڈیجیٹل میڈیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اینڈرائڈ یا آئی فون لے کر اور یہ سارا انقلاب لے آئیں گے، یہ میڈیا ٹیم ورک کا کام ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے ڈیجیٹل ادارے بنے جس میں یہ باقاعدہ بہتر ایڈیٹوریل سسٹم ہو، اسپیشلائزیشن ہو، وہی اس میڈیا کو بدلیں گے جس میں بہت بھاری بھرکم سیٹلائٹ ڈشز اور ماڈرن نیوز رومز ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری اطلاعات شاہیرہ شاہد نے کہا کہ پرویز شوکت کا صحافتی کیریئر اتار چڑھاؤ سے بھرپور ہے۔ وہ ہمیشہ بڑے ہمبل اور ہمبل طریقے سے آتے تھے، ہمیشہ ورکرز کی بات کرتے تھے۔ ان کی خدمات جو ہیں وہ واقعی بہت ہیں، بہت اچھا ٹائم انہوں نے گزارا اور کم صحافی اب ایسے رہ گئے ہیں۔ مرحوم کے بھائی، قریبی ساتھیوں اور دیگر مقررین نے پرویز شوکت مرحوم کی زندگی اور میڈیا کارکنوں کے لیے ان کی قربانیوں پر روشنی ڈالی۔ پرویز شوکت مرحوم کی صحافتی زندگی کے حوالے سے نیشنل پریس کلب میں بھی ریفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے پریس کلب کے عہدیداران اور پرویز شوکت کے صحافی ساتھیوں نے ان کی زندگی کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ راحیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پی این سی اے اسلام آباد میں قازقستان کے سفارت خانے کے زیر اہتمام فلم کی نمائش ہوئی۔ اس موقع پر نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ فلم اور ڈرامہ معلومات کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں شاہین صفدر۔ اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ آج ہمارے ملک کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں۔ انہوں نے کہا، قازقستان کے ساتھ ہمارے مذہبی، ثقافتی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ قازقستان نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے۔ قازقستان از ناٹ اے فار اوے لینڈ،
hundreds of thousands of kilometers away. It's physically linked both geographically and culturally. We share more than things that unite us are much more than things that divide us. So there's a great future of cooperation between Pakistan and Kazakhstan. कौमी विरसा के निगरान वजीर जमाल शाह ने कहा कि इस फिल्म के जरिए काजकिस्तान की सकाफत को पाकिस्तान में उजागर किया जाएगा. I think we'll feel enriched. Lives will become more meaningful. And there'll be another dimension to for both Kazakhstan and Pakistan and all other countries to interact with each other intimately by bringing the most authentic, the most beautiful, the most relevant stories of our people and sharing them with each other. Dastavezi film mein Kazakhstan ki saqafat, tareekh aur riwayat ko behtareen andaaz mein pesh kiya gaya. Taqreeb mein Kazakhstan ke sifaratkar, ala ohdedaran aur shahriyon ki badi tadad ne shirkat ki. Shaheen Safdar, PTV News, Islamabad. इलेक्शन 2024 के करीब आते ही सिंध भर में सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई है. सियासी जमातें और उम्मीदवार पार्टी मंशूर और पैगाम पहुंचाने के लिए जलसे और रैलियां मुनक्कद कर रहे हैं. तफसील अरबिया ज़ीशान से. कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमारी जमात पहले से मज़ीद बेहतर और मजबूत है. हम मुनज़्ज़म तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं. हैदराबाद में रैली से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम अपनी गुज़िश्ता हुकूमत की कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम में आए हैं और 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में कामयाबी हासिल करेगी. उन्होंने कहा कि अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसों में भरपूर शिरकत कर रहे हैं. पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि कराची का अमन हमें बहुत अजीज है. पीपल्स पार्टी इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती. हम आवाम की राय और जमहूरियत को ही अहम समझते हैं. न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हर सियासी जमात को अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने की आज़ादी है. पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम को अवाम की जानिब से बहुत पजीराई मिल रही है. उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी सिर्फ एक सूबे में नहीं बल्कि चारों सूबों में अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं. कराची में मुलाकात में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के एनए 231 के उम्मीदवार ने जमात इस्लामी के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान किया. पन्नू अकल में जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद अहमद शाह ने कहा है कि हम अवाम की खिदमत करेंगे और अवाम अपने ज़मीर और शऊर के मुताबिक वोट दे. अरीबा ज़ीशान, पीटीवी न्यूज़, कराची. मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क पर चोर और झूठे को मुसलत किया गया जिसने सरकारी खजाने पर डाका डाला और अपने इक्तदार के दौरान मुखालिफीन को जेलों में बंद किया. उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक नवाज शरीफ के दौर में करप्शन का इंडेक्स 140 से कम होकर 117 पर आया. इमरान खान के दौर में दोबारा 140 पर चला गया. तमाशा बना दिया मुल्क को और फिर सवाल करते हैं हमसे कि इसको अब ये दे दिया है, इसको उसी हाल पर छोड़ के जा रहे हैं. दहशतगर्दी वापस, लोड शेडिंग वापस, गैस का खात्मा, महंगाई, बेरोजगारी, आप कहते हैं इसको ठीक करो. करेंगे, बिल्कुल करेंगे, नवाज शरीफ की क्यादत में करेंगे. दोबारा से महंगाई कम करेंगे, दोबारा से नौजवान को रोज़गार देंगे, दोबारा से सीपैक के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, दोबारा से बिजली के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इंशाल्लाह दोबारा से नौजवान को नौकरी मिलेगी, दोबारा से पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आएंगे. पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया और तोहफे में मिलने वाली घड़ी तक बेच दी. कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया. अदालत से सुनाई गई सज़ा उनके गलत कामों का अंजाम है. वो कौम को गलत रास्ते पर लेकर गए. उन्होंने जो बोया वही काट रहे हैं. मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारिक ने कहा है कि साइफर को सियासी मकासद के लिए लहराया गया. ऐसे इकदाम किए गए जिससे मुल्की सालमियत दाव पर लगा दी गई. लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान लीग रहनुमा ने कहा कि रियासत मदीना का नाम लेने वाले घिनौने जुर्म में मुलव्वस हुए और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाया. उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के जरिए अरबों की मालियत के नायाब तहाइफ ब्लैक मार्केट में फरोख किए गए जिससे पूरी दुनिया में मुल्क की जगह साई हुई.
एएनपी के रहनुमा हाजी गुलाम अहमद बलूर के सियासी करियर, उनकी कामयाबियों और नाकामियों पर एक नजर डालते हैं। हाजी गुलाम अहमद बलूर ने कब कब इंतखाबात में हिस्सा लिया, कितनी बार फाते रहे, कितनी बार शिकस्त का सामना करना पड़ा, वकार हैदर ने रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। बुजुर्ग सियासतदान हाजी गुलाम अहमद बलोह ने 1965 में पाकिस्तान के सदारती इंतखाबात में मोहतरमा फातिमा जिन्हा की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया था। हाजी गुलाम अहमद बलोह ने सियासी सफर का आगाज 1970 की दहाई में किया और अवामी नेशनल पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। 1988 के आम इंतखाबात में हल्का NA1 पिशावर से इलेक्शन में हाजी गुलाम अहमद बलोर अपने मद्दे मुकाबले आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ से हार गए। तहम गुलाम अहमद बलोर जमीनी इंतखाबात जीत कर पहली दफा मेंबर कौमी असम्बली बने। 1990 के इंतखाबात में हाजी गुलाम अहमद बलोर 51,233 वोट लेकर मर्द मैदान ठहरे। उनके मद्दे मुकाबले साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो थी जिन्होंने 38,951 वोट हासिल किए। इसी तरह 1993 के आम इंतखाबात में गुलाम अहमद बलोर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने 35,755 वोट हासिल किए लेकिन मद्दे मुकाबले सैयद जफर अली शाह 40,343 वोट लेकर फाते रहे। 1997 के आम इंतखाबात में गुलाम अहमद बलोर पिशावर से एक बार फिर मर्द मैदान ठहरे, अपने मुखालिफ कमर बास को शिकस्त दी। हाजी गुलाम अहमद बलोर ने 2008 के आम इंतखाबात में भी मैदान मारा और उनके मद्दे मुकाबले उम्मीदवार अयूब शाह नाकाम हो गए। साल 2013 के आम इंतखाबात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ 90,500 वोट लेकर हल्का पिशावर से कामयाब हुए जबकि गुलाम अहमद बलोर को 24,468 वोट लेकर शिकस्त हुई। तहम एक बार फिर जिमनी इंतखाबात में गुलाम अहमद बलोर जीत गए। 2018 के आम इंतखाबात में भी हाजी गुलाम अहमद बलोर 42,526 वोट लेकर नाकाम रहे जबकि उनके मुखालिफ शौकत अली 87,975 वोट लेकर कामयाब हुए। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने आला अदलिया के साबिक जजेस के खिलाफ कार्रवाई न करने से मुतालिक अपने फैसले पर विफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील में मुतालिका फरीकों को नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने वाजे किया है कि फरीकैन को जारी होने वाले नोटिस अपील के काबिल समाअत होने से मशरूत हैं। दोनों ने समाअत बेंच के अरकान ने कहा कि आईन वाजे है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शिकायत पर आला अदलिया के जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। शिकायत दुरुस्त साबित होने की सूरत में मुतालिका जज को ओहदे से फारिग किया जा सकता है लेकिन रिटायर या मुस्ताफी होने वाले जज को ओहदे से कैसे हटाया जाएगा? जो जज ही नहीं रहा उसके खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बेसुध होगी। अदालत ने मुकदमे की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। सहाफत के शोबे को पार्लियामेंट में जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए पार्लियामानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन वेब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया गया। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने पोर्टल का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा कि मीडिया और पार्लियामान का एक दूसरे से गहरा रिश्ता है। उन्होंने कहा कि असर हाजिर का तकाजा है कि पार्लियामान की कार्रवाई में जिद्दत लाई जाए। पार्लियामान की प्रोजेक्शन जो है वो मीडिया के ही जरिए होती है और प्रेस गैलरी का हमेशा एक क्लीदी किरदार रहता है दुनिया भर की पार्लियामान में। तो मैंने भी ये कोशिश की है कि हमारी PRA जो है जो उसको भी हर किस्म की सहूलियात जो हैं जो कुछ भी हम पहुंचा सकते हैं वो ज़रूर पहुंचाएं। मौजूदा दौर में ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन जो है ये बड़े ही अहम चीज़ें हैं। पार्लियामान में भी हमने इसका काम शुरू कर रखा ऑटोमेशन का। इस वेबसाइट से ना सिर्फ पार्लियामेंटेरियन बल्कि ओवरऑल ऑल पाकिस्तानी जो हैं इससे मुस्तफीज़ होंगे। दुनिया भर में जो भी जो अपनी मालूमात हासिल करना चाहेगा कि क्या हो रहा है पार्लियामान में उसके पास ये आपकी वेबसाइट होगी। नाज़रीन, फ़लस्तीन में इसराइल के मज़ालिम में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। सिहोनी फोर्सेस ने गज़ा में दहशतगर्दी की इंतहा करते हुए मज़ीद इलाकों पर बमबारी की है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में मज़ीद 149 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से जारी सिहोनी बर्बरियत में शहीद होने वालों की मजमू तादाद 26,900 हो चुकी है। हमलों में अब तक 65,949 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। काबिज़ फोर्सेज ने गज़ा में एक हमले के दौरान 25 फ़लस्तीनियों को शहीद और मुतअद्दिद को ज़ख्मी कर दिया है। फ़लस्तीन हिलाल अहमर का कहना है कि इसराइली फौजियों ने खान यूनुस में अलमल हस्पताल पर धावा बोलते हुए सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर शहीद कर दिया। डॉक्टरों और बेघर फ़लस्तीनियों को फौरी तौर पर हस्पताल खाली करने का हुक्म दिया। इसराइली फौज ने जंग के दौरान अपने 3 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने 35 रुकन ममालिक और यूरोपीय यूनियन के साथ मुलाकात की और फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए इमदादी एजेंसी के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि कई मुल्कों ने अपनी फंडिंग मुअत्तल कर दी है। तनाज़े ने गज़ा में इंसानी बहरान को जन्म दिया है जिसकी वजह से तिब्बी निज़ाम समेत कहत और मुतअद्दिद बीमारियाँ फैल रही हैं। एंटोनियो गुतरस बेघर फ़लस्तीनियों की तादाद में मुसलसल इजाफा होने की वजह से मसाइल बढ़ गए हैं। एजेंसी की दोबारा इमदाद और दोबारा फंडिंग शुरू किए बगैर फरवरी के बाद काम जारी नहीं रखा जा सकेगा। उन्होंने तमाम मुल्कों से अपील की है कि वह अपने फैसले पर नज़रसानी करें और फंडिंग दोबारा शुरू करें।
ज़िला डेरे गाजी खान के रहायशी लांस नाइक रहमतुल्लाह और ज़िला टांग के रहायशी सिपाही मोहम्मद जमान की नमाज जनाजा हेडक्वार्टर FC बलोचिस्तान कूचा में अदा कर दी गई है। दोनों सिपाहियों ने मच बोलान में दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहादत कबूल की थी। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, जवानों और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहदा की मैयतें उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं, जहाँ उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। नाज़रीन, सरजमीन पाकिस्तान के दिफा की खातिर पाक फौज और फ्रंटियर कोर के अनगिनत जवान अपने खून की कुर्बानियां देते चले आ रहे हैं। ऐसे ही बहादुर सपूतों में सोहबतपुर से ताल्लुक रखने वाले फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के बहादुर जवान नायक गुलाब खान, जिला पश्मीन के सिपाही कासिम और जिला खुजदार से ताल्लुक रखने वाले जमील अहमद भी शामिल हैं। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के अफसरों और जवानों ने शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की और शहीदों के मजार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज ने कहा है कि मुसल्ला इकदाम सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है, खुद को शमले शरीयत के मनाफी हैं। इस्लामाबाद में नुमाइंदे खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज ने बताया कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के 235वें इजलास में मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे गौर आए। मुसल्ला इकदामात मुत्तफ़िका एलामिया पैगाम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। काउंसिल ने एहतजाज की शरई तरीके के मुतालिक एक तफसीली ज़ाब्ता इखलाक की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि दौरान एहतजाज लोगों की जानों को ज़ाया करना, अज़ियत पहुँचाना, इमलाक को नुकसान पहुँचाना जायज़ नहीं है। असल जाली मुकाबले और मावराए अदालत कत्ल हिंदुस्तान फौज की पहचान बन चुके हैं। भारतीय फौज मोदी सरकार की खुशामद के चक्कर में अपने ही हथियार बरामद करके मलबा आज़ादी पसंदों पर डालने लगी। भारतीय फौजी अफसरान तरक्की तमगों और अच्छी रिपोर्ट के लिए जाली ऑपरेशन और एनकाउंटर्स करने लगे। मजबूर कश्मीरियों को पैसे का लालच देकर स्मगलिंग पर आमादा किया जाता है और फिर उनको जाली ऑपरेशन में मार दिया जाता है। बाद अजां इसे ऑपरेशन का रंग देकर जाती तशहीर की जाती है और इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर थोप दिया जाता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने CID कश्मीर का जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह को लिखे जाने वाला मरासला बेनकाब किया था। मरासले में 3 राजपूत के हाजीपीर सेक्टर, 12 जाट के उड़ी सेक्टर और लेफ्टिनेंट कर्नल अक्षंत के जिला कुपवाड़ा में जाली ऑपरेशन का जिक्र है। भारत 1989 से अब तक 7,000 से ज्यादा कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल कर चुका है। आलमी मीडिया कई बार इन जाली मुकाबलों और मावराए अदालत कत्ल पर आवाज उठा चुका है। 2010 की अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस है। 2020 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारतीय हुकूमत से मावराए अदालत कत्ल की तहकीकात का मुतालबा किया था। मोदी हुकूमत ने इंटरनेट की बंदिश को कश्मीरियों के खिलाफ नया हथियार बना लिया है। मकबूजा इलाके में 2018 से अब तक 418 मरतबा इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज मुअत्तल की जा चुकी हैं। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की तंसीखी के बाद कश्मीर में इंटरनेट केबल और टेलीफोन सर्विसेज 5 फरवरी 2020 तक मुअत्तल रहीं। 1.5 साल तक जारी रहने वाली इंटरनेट बंदिश दुनिया भर में तवील तरीन बंदिश है। रॉयटर्स के मुताबिक 18 महीनों तक जारी इंटरनेट की बंदिश ने कश्मीरियों को पत्थर के में धकेल दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका ने की 11 फरवरी 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में होने वाली इंटरनेट बंदिश में कश्मीर सरे फहरिस्त है। उधर फस्ताई भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों के मुनसिफाना जद्दोजहद को दबाने के लिए मजमूम हथियारों का सिलसिला जारी रखते हुए फोर्सेस को खसूसी बख्तरबंद गाड़ियां फराहम की हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये गाड़ियां वादी कश्मीर और जम्मू खत्ते में काबिज भारतीय फौज के हवाले की गई हैं। फोर्सेज को बख्तरबंद गाड़ियों से लैस करना इस बात का सबूत है कि भारत कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को कुचलने के लिए अपने मजमूम अमल में बुरी तरह नाकाम हो चुका है और कश्मीरी गैर कानूनी भारतीय कब्जे से आज़ादी की जद्दोजहद अज़्म व हिम्मत से जारी रखे हुए हैं। भारत के बदनाम जमाना स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने 3 कश्मीरियों के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कानून के तहत फर्द जुर्माइद की है। काबिज भारतीय इंतजामिया ने तहरीक आज़ादी से वाबस्ता अफराद के खिलाफ अपने घिनौने इकदाम जारी रखते हुए कोलगाम में एक ज़ेरे तामीर मकान और जम्मू में एक घर पर कब्जा किया। अमलाक की मुनज़्ज़म जब्ती का मकसद कश्मीरियों को बेघर और माशी मुश्किल में मुबतला करके उन्हें जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत तर्क करने पर मजबूर करना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा नईम अहमद खान ने अक़वामे मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वह तनाज़े कश्मीर के फौरी हल के लिए किरदार अदा करे। नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक पैगाम में उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती शनाख्त को खत्म करने के लिए इलाके में नित नए कानून नाफिज कर दिए हैं। आलमी इदारे के एजेंडे पर तवील अरसे से जेरे इल्तवा तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करें। और नाज़रीन, आज के नौजवान का बुनियादी मसला करियर का इंतखाब है। नौजवानों के मसाइल के हल के लिए 2 रोज़ा फ्यूलिंग फ्यूचर नुमाइश इस्लामाबाद में जारी है। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। तफसील बता रहे हैं अम्माद आवान।
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر توانائی محمد علی نے کہا کہ نوجوان اس ملک کا مستقبل ہیں، جنہیں ہنر اور تعلیم کے ساتھ ساتھ رجحان کی بنیاد پر اپنا کیریئر ایسی جگہ تلاشنا چاہیے جہاں مانگ زیادہ ہے۔ پاکستان میں انرجی کے اندر ابھی بہت کام ہونا باقی ہے، تو یہ سارا ٹیلنٹ جب آئے گا ہمارے پاس ہماری کمپنیوں میں، اور جب نئی کمپنی سیٹ اپ ہوں گی تو اور اپرچونیٹیز ہوں گی، تو اس سے ہی پاکستان انرجی سیکٹر میں آگے بڑھے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو اس سال پہلی بار جو ہو رہا ہے کیریئر فیئر، یہ ہر سال ہونا چاہیے۔ نگران وزیر نے اس سے پہلے کیریئر نمائش کا افتتاح کیا اور مختلف سٹالز دیکھے۔ نمائش میں چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان و کشمیر کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی اور اسے اپنے لیے مفید قرار دیا۔ یوتھ کو امپاورمنٹ کرنے کے لیے، یوتھ کو بتانے کے لیے کہ فیول ہی آپ کے لیے جو ہے آنے والے وقت کے اندر انرجی کو پورا کر سکے گا، تو یہ ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں۔ بیسکلی سارا اندر سے اوور ویو لے رہے ہیں اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اس میں اپرچونیٹی مل سکتی ہے۔ ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے، ہمیں ایسے کمپنیز کے سی ایوز یہاں پر آئے ہیں، ان سے ملنے کا موقع ملا ہے۔ ایکسپو ہمیشہ یونیورسٹی لیول پہ ہوتے تھے، یہ منسٹری لیول یا انڈسٹری لیول کے اوپر فرسٹ ٹائم ہے، تو انجینئرز کے لیے ادھر بڑی اپرچونیٹیز ہیں۔ وی گیٹنگ ٹو لرن، وی گیٹنگ ٹو میٹ وتھ ڈفرنٹ یونیورسٹیز اوور ہیئر، بڑا مختلف ہے، اچھا۔ وی ہیو اے ریکروٹمنٹ مینیجر ہیئر ایز ویل، تو اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی انفارمیشن چاہیے، ہم ان اسٹوڈنٹس کو وہ ایکسپوجر دینے کے لیے آج یہاں پہ آئے ہیں۔ ملک میں توانائی کی ضروریات کے پیش نظر پیٹرولیم کمپنیاں آگے چل کر نوجوانوں پر سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، اور یہ نمائش اس سلسلے کی ایک قابل تحسین کوشش ہے۔ مادوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے آج برسلز میں یورپی یونین کے کمشنر برائے موسمیاتی ایکشن سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان سبز تعاون کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نگراں وزیر خارجہ نے 2022 میں تباہ کن سیلاب کے بعد بحالی کے لیے یورپی یونین کے تعاون کو سراہا۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی خبروں میں خوش آمدید۔ ناظرین، اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ جڑواں شہروں میں دن بھر وقفے وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ شام کے وقت جڑواں شہروں میں بارش کے ساتھ ساتھ شدید یالہ باری بھی ہوئی، جس سے سڑکوں اور کھلے مقامات پر یالہ باری کی موٹی تہہ جمع ہو گئی۔ شدید یالہ باری کی وجہ سے سڑکوں پر ٹریفک کا نظام بھی متاثر ہوا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد برف کی موٹی تہہ کو دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئی۔ طویل خشک سالی کے بعد ملک بھر میں باران رحمت کا سلسلہ جاری ہے، جس سے خشکی، دھند اور سموک کا خاتمہ اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے 4 فروری تک مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ مریم ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ دھند میں لپٹے خشک موسم کا خاتمہ ہوا، بادل برس پڑے، سرد موسم میں بارش کے پہلے سلسلے نے سما باندھ دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا۔ سندھ میں ہلکی سی درمیانی بارش، جبکہ بلوچستان میں موسلادھار پھوار سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ پنجاب اور اسلام آباد میں 4 روز تک بھیگی رت برقرار رہے گی، تو خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے پہاڑوں پر برف باری ہو رہی ہے، جس کے باعث سڑکیں بھی بند ہو سکتی ہیں۔ مری، کالام، مالم جبا، نتھیا گلی اور آزاد کشمیر کا سفر کرنے والے سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی گزشتہ رات سے جاری تیز بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہوا، مگر طویل خشک موسم سے پھیلی آلودگی کا خاتمہ ہونے سے ہر منظر کھل اٹھا۔ موسم کا احوال بتانے والے کہتے ہیں اگلے 4 روز تک یہی رت برقرار رہے گی۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا۔ برف باری کے باعث بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں، جبکہ کئی شاہراہیں ٹریفک کے لیے بند ہو گئی ہیں۔ تفصیلات دیکھیے عدیل احمد خان کی اس رپورٹ میں۔ مظفرآباد سمیت آزاد کشمیر کے بیشتر نشیبی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں وادی نیلم، وادی لیپا اور پونچھ ڈویژن میں برف باری کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی وقفے وقفے کے ساتھ جاری رہا۔ طویل وقفے کے بعد مقامی افراد نے بھی شدید سردی کے باوجود بارش اور برف باری کو باعث سے لطف قرار دیا ہے۔ کافی برف باری ہو رہی ہے اور ہم اسے بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ برف باری کے بعد یہ علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ شدید برف باری ہو رہی ہے اس وقت نیلم میں، ہم لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، نیلم میں شدید سردی ہے اس وقت۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ اعلان
انتظامیہ کے مطابق وادی نیلم میں کیل سے تاؤبٹ شارہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہو گئی ہے. ضلع باغ میں حاجی پی روڈ، باغ حویلی روڈ بھی لسترنا کے مقام سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے، جبکہ ضلع پنچھ میں بھی تولی پیر علی سوجل روڈ برف باری کے بعد بند ہو گئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کا حالیہ سلسلہ مزید 24 گھنٹے جاری رہنے کا امکان ہے. عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفرآباد، آزاد کشمیر. ناظرین، آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کی بات کریں گے. سب سے پہلے بات کریں گے لہ کی. یہاں کم سے کم درجہ حرارت -7°C ریکارڈ کیا گیا. کالام اور گوپس میں -5°C، سکردو -3، جبکہ راولا کوٹ میں -2°C ریکارڈ کیا گیا. اور ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی. اسلام آباد کا کم سے کم درجہ حرارت 8°C رہا، لاہور میں 9، کراچی 18، پشاور 7، جبکہ کوئٹہ میں 1°C ریکارڈ کیا گیا. ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں. موسم کی خبروں سے اتنا ہی. السلام علیکم. کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فائیو سائیڈ ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان نے سوئٹزرلینڈ کو 1 مقابلے میں 10 گول سے شکست دے کر 9ویں پوزیشن حاصل کر لی. عمان کے شہر مسقط میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان کی جانب سے ذکریہ حیات نے ہیٹ ٹرک کی، جبکہ کپتان رانا عبد الوحید اشرف، عبدالحنان شاہد اور ارشد لیاقت نے 2-2 گول کیے. غزنفر علی 1 گول کرنے میں کامیاب ہوئے. ایف آئی ایچ کی جانب سے پاکستان کو چیلنجرز ٹرافی اوارڈ کی گئی. کپتان رانا عبد الوحید اشرف نے ایونٹ میں سب سے زیادہ 23 گول کیے. بے نظیر آباد لالز اور سکھر پیٹریوٹس کی ٹیمیں سندھ پریمیئر لیگ کے پلے آف مرحلے سے باہر ہو گئی ہیں. نیشنل بینک سٹیڈیم کراچی میں جاری ایونٹ میں حیدرآباد بہادرز، میرپور خاص ٹائیگرز، کراچی غازیز اور لڑکانہ چیلنجز نے پلے آف مرحلے میں جگہ بنا لی ہے. پلے آف مرحلے کا آغاز 2 فروری سے ہوگا. 2 فروری کو کوالیفائر 1 کھیلا جائے گا، 3 فروری کو ایلیمینیٹر 1 اور 4 فروری کو ایلیمینیٹر 2 ہوگا. 2 ٹیمیں 5 فروری کو فائنل میں آمنے سامنے ہوں گی. سندھ پریمیئر لیگ کے مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. راولپنڈی میں بارش کے باعث نیشنل ویمنز T20 ٹورنامنٹ کا فائنل منسوخ کر دیا گیا. فائنل میں پہنچنے والی کراچی اور لاہور کی ٹیموں کو مشترکہ طور پر فاتح قرار دیا گیا. راولپنڈی میں ہونے والی بارش کے باعث گراؤنڈ گیلا تھا. امپائرز نے گراؤنڈ کا جائزہ لینے کے بعد فائنل میچ ختم کرنے کا اعلان کیا اور دونوں ٹیمیں فاتح قرار پائیں. بنگلہ دیش میں ہونے والی سیف فریقی U19 سیریز میں بنگلہ دیش ویمنز نے پاکستان ویمنز کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا. پاکستان ویمنز U19 نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 96 رنز بنائے. بنگلہ دیش ویمنز U19 نے 17 اوورز میں مطلوبہ ہدف پورا کر لیا. سیریز کا فائنل جمعے کو بنگلہ دیش اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا. اور ایک بریک جس کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ.